नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कांग्रेस ने आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। यह कॉन्फ्रेंस अर्णव गोस्वामी के चैट के मुद्दे पर हुई, जिसमें बालाकोट स्ट्रीक का जिक्र किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में चार बड़े नेताओं का समावेश था, पूर्व रक्षा मंत्री एनके एंटनी, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्णव गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ के चैट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। एनके एंटनी का कहना है कि जिस तरह एक पत्रकार को सैन्य कार्रवाई की पूर्व सूचना दी गई, यह राजद्रोह का मामला बनता है। सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन का भी मामला है, जिसकी जांच होना जरूरी है। गुलाम नबी आजाद ने इसे टीआरपी फ्रॉड कहा है, जिससे एक कंपनी को पैसा मिले, इसलिए ये आर्थिक अपराध का भी मामला बनता है। सलमान खुर्शीद ने चैट में न्यायपालिका पर भी कई टिप्पणियां की है और सवाल उठाए हैं और कहा है कि इन सब की जांच होनी चाहिए। गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद, तो पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। और ये सभी कई बम्बई के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, कई यहां के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं। और मुझे टीआरपी इटसेल्फ गिव्स यू ग्रेटर रूल इन द नेशनल न्यूज नेटवर्क एंड ऑल्सो इफ यू हैव मोर टीआरपी यू विल गेट मोर एडवर्टाइज getting more advertisements means you become more richer, not in normal course, not on merit, but through going through a criminal conspiracy and by manipulating an artificial TRP. And the most important part is the nexus is between the government and that particular lever. So that is more.